पिना जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला है। गुजारिश है सभी लोगों से कि जब मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो बीच में इंटरफियर ना करें। दो तीन बात मैं संक्षेप में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कि अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में जो पोलराइजेशन हो रहा है, और अगर इस मौलाना पर हम सवाल उठा रहे, तो सवाल उसी हम धर्म सिंह सैनी पर क्यों नहीं, हम नंद किशोर गुज्जर पर क्यों नहीं उठा रहे, जिसको ईसी ने नोटिस दिया है। ईसी ने नोटिस दिया है, और क्यों हम नहीं उठा रहे? क्योंकि भाजपा के आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के 37% विधायक, 37% विधायक पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। यहां तक कि आदित्यनाथ जी पर दंगे के चार्जेस थे, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस थे। खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद उन्होंने ये चार्जेस अपने पे विड्रॉ कर दिया है। येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है जो बताती है कि जहां जहां भाजपा का ग्रोथ होता है, वहां वहां दंगे होते हैं, वहां पर दंगइयों को बढ़ावा मिलता है, और इसलिए भाजपा का ग्रोथ होता है। क्योंकि भाजपा का मंत्र है कीचड़ फैलाओ कमल खिलाओ, तो कीचड़ फैलाने में भाजपा नंबर वन है। आज इस दोबारा से इसलिए कीचड़ फैला रही है क्योंकि वेस्टर्न यूपी में समाप्त हो रही है। आपके शो पे मैंने कहा था कि भाजपा उत्तर प्रदेश में समाप्त हो रही है, और क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में समाप्त हो रही है, इस तरह के मुद्दे को भाजपा उठा रही है। इसके अलावा इस मुद्दे में कुछ नहीं है।